कविता जो मैं कहने जा रही हूँ कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। यह कविता कवि गोपाल प्रसाद व्यास जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के कहने पर लिखा था। इस कविता को लिखने का मकसद था आजादी के लिए लोगों को प्रेरित किया जा सके। खूनी हस्ताक्षर व खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, व खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं, व खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवस होकर बहता है व खून नहीं व पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा से मांगी उनकी कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत जी चुके हो जग में लेकिन आगे बढ़ना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से घुट जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, ये शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण दमक उठा दमकी उनकी रक्त इनकाया। आज आनी बाहु ऊंची करके वे बोले रक्त मुझे लेना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल सुथल, सीने में दिल ना समाते थे, स्वर इनकलाब के नारे कोसों तक छा जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रण में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है, लोहे का कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना है। पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भार के बहता है, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता है। मैं कफन बढ़ाता हूँ, आए जो इसे हंस कर लेता हो। सारी जनता हुकार उठी हम आते हैं हम आते हैं, माता के चरणों में लोया अपना रक्त चढ़ाते हैं, फिर उसी रक्त की स्याही में अपनी कलम डुबोते हैं, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते हैं। उस दिन तारों ने देखा ये हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास नया। जय हिंद जय भारत।